नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। दोस्तों आज से पहले मैंने जितनी भी बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर वीडियो बनाई हैं या आपको खबरें प्रोवाइड कराई हैं वो सब में कितनी सच्चाई है आप देख ही रहे होंगे कि खबरें अब लगातार आनी शुरू हो गई हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था कि साहब ये जो खबरें हैं इनका आने का सिलसिला बहुत तेजी के साथ होगा और बजट तक अब ये क्रम चलेगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था, यानी कि जो भी खबरें अब आएंगी वो ऑलरेडी आपको पता होंगी। ये भी मैंने आपको बात बता रखी थी, मैंने आपको बता रखा था कि बजट साहब इस बार का बजट हो सकता है जबरदस्त, जबरदस्त सब बजट हो सकता है इस बार का, स्पेशली पीएसयू बैंक को लेकर। सरकारी बैंकों के लिए साहब ये बजट बहुत बड़ी घोषणाएं संभव हो सकती हैं। इस सरकारी बैंकों के लिए इस बजट में बहुत बड़ी घोषणाएं दोस्तों संभव हो सकती हैं। ये सारी चीजें आपको पहले से ही पता है और इन्हीं सब खबरों के आधार पर मैंने आपको शेयर्स ये सरकारी बैंकों के बहुत नीचे के भाव पे खरीदवा दिए थे। मैंने कहा भैया खरीद लो, बढ़ लो, आगे इसमें प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा देना, जब खबरें आएंगी आपको अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। आज हमने साहब कैनरा बैंक के कुछ शेयर बेचे, थोड़े से अपने शेयर 220 के आसपास प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया। तो दोस्तों खबरें जो भी अब आएंगी वो साहब बाद में आएंगी, लेकिन इस चैनल पे आपको पहले से भी और बहुत पहले से ही सारी चीजें पता चल जाएंगी। कब से चिल्ला रहा हूं कि बजट में धमाकेदार सेक्शन, धमाकेदार साहब ये बजट हो सकता है, कुछ बड़े बिग अनाउंसमेंट हो सकते हैं। देखिए उसकी खबरें भी दोस्तों निकल के सामने आ रही है, खबरें भी आने लगी हैं। आज भी एक खबर आई और इन्हीं खबरों के दम पर साहब जो सरकारी बैंकों के शेयर हैं वो भाग गए ऊपर। देखिए ना बगल में चार्ट देखिए, सरकारी बैंकों में साहब चाहे SBI हो, चाहे कैनरा हो, चाहे यूनियन बैंक हो, चाहे बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, सब में साहब आग लगी हुई थी। यहां तक कि PNB भी साहब हमारा 40 के ऊपर चला गया, जो साहब बिल्कुल एक स्तंभ बना खड़ा रहता था ना वो भी साहब 40 के ऊपर आज थोड़ा सा हिलने में कामयाब हो गया। अब खबरों का दौर दोस्तों चलेगा। अब खबर क्या आई आज, मैंने आपसे क्या कहा था कि सरकार के पास विकल्प बहुत हैं, विकल्प बहुत हैं सरकार के पास। मेन मकसद क्या है, बैंकों में पैसे की अवेलेबिलिटी, यानी कि पैसा आना, किसी तरह बस पैसा आ जाए, किसी भी रूप में आ जाए। निजीकरण की खबरें एक साल पहले बजट में निजीकरण की बात चली थी, जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने निजीकरण, दो बैंकों के निजीकरण की बात कही थी। आज पूरा एक साल हो जाएगा, 1 फरवरी को पूरा एक साल हो जाएगा, अभी तक इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका। सिर्फ खबरों के दम पर आप देखिए कि हालात कितने सही हो गए। एक साल से निजीकरण की खबरें चल रही थी, आप मुझे बताइए। मैं भी लगातार वीडियो आपके लिए बना रहा था। अब ये जो बजट होगा इसमें कुछ नए साहब खबरें निकल के सामने आएंगी। अब नई खबरें क्या होंगी ये तो बजट में ही पता चलेगा, लेकिन उसके थोड़े थोड़े साहब सुराग मिलने लगे हैं, थोड़े थोड़े। जैसे पिछली बार बजट में तो सबको चौंका दिया था हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने, लेकिन इस बार थोड़े थोड़े क्लू मिलने लगे हैं कि क्या हो सकता है। निजीकरण की खबरें एकदम आई थी पिछले साल बजट में कि निजीकरण करेंगे हम 2 सरकारी बैंकों का, वो तो चलिए एक अचंबा था, किसी को पता नहीं था, लेकिन उन खबरों के दम पर साहब सरकारी बैंकों ने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया। यहां तक कि IOB साहब सेकंड लार्जेस्ट बैंक बन गया था मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, अब नीचे आ गया वो। अब साहब खबरें आई हैं, अब देखिए अब किस तरह की खबरें आएंगी। निजीकरण की खबरों ने अपना काम कर दिया। मेन मकसद क्या है, बैंकों को बचाना। किस रूप में बचेंगे, जब पैसा आएगा। पैसा किस रूप में आएगा, या तो खबरों के द्वारा आए। अगर खबरों के द्वारा से काम नहीं चलता, फिर साहब कोई ठोस कदम उठा सकती है सरकार। ठोस कदम क्या होते हैं वो आप जानते ही हैं, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं। उसमें से एक कदम हो सकता है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि बाहर के लोगों को, विदेशियों को हमारे यहां बैंकों में हिस्सेदारी खरीदने का मौका दिया जाए। यानी कि अभी तक क्या था दोस्तों कि सरकारी बैंकों में 20% तक FDI जो निवेश है उसकी साफ छूट थी, यानी कि 20% तक कोई भी FDI निवेश किया जा सकता था सरकार की अनुमति के द्वारा। FDI निवेश किसी भी सरकारी बैंक में सरकार की अनुमति के द्वारा, कोई भी विदेशी पोर्टफोलियो, विदेशी संस्थागत निवेशक इसमें साफ अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकते थे 20% तक, मात्र 20%। और यह संख्या
प्राइवेट बैंकों में 74% तक है। यानी कि प्राइवेट बैंकों में तो विदेशी निवेशक 74% तक हिस्सेदारी खरीद सकते हैं और सरकारी बैंकों में 20% तक। अब बजट में क्या संभव है? बजट में सरकार सोच रही है कि इस एफडीआई की जो लिमिट है इसको बढ़ा दिया जाए। यानी कि देखो मकसद क्या है, मकसद यही है कि एफडीआई बढ़ाने का मतलब क्या होता है, जब कोई बाहर से निवेश आएगा सरकारी बैंकों में पैसा लेके आएगा। मैंने कहा ना मेन मकसद है पैसा, पैसा पैसा पैसा। अब ये पैसा खबरों के द्वारा पूरा हो जाएगा तो ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन सरकार के पास विकल्प होना चाहिए। मान लिया कि खबरों के दम पर इनके शेयर्स में कोई मूवमेंट नहीं आता, पब्लिक इंटरेस्ट नहीं दिखाती, पब्लिक सोच रही यार एक साल से यही सब हो रहा है, तो कुछ ऐसा भी तो होना चाहिए ना सरकार के पास। अब एफडीआई इसका एक साफ तोड़ हो सकता है। सरकार के पास सारे विकल्प हैं, पहले निजीकरण का विकल्प था सरकार के पास, करा नहीं, लेकिन विकल्प मौजूद था। इस विकल्प के आधार पर ही साहब पब्लिक ने दबा के इनके शेयर्स बाय करे। अब सरकार के पास एफडीआई का विकल्प आ जाएगा, इस बजट में एफडीआई का विकल्प आ जाएगा, समझ रहे हैं बात। अब इस एफडीआई की खबर साहब इतनी दमदार होगी तो आप इनके शेयर्स देखिएगा। देखिए अब जो मैंने आपको बताया ना 20% तक सरकारी बैंकों में एफडीआई की छूट थी। अब आपका कमेंट्स क्वेश्चन क्या आया था, अभी रिसेंटली आपने पूछा था मुझसे क्या सर सरकारी बैंकों में अभी भी एफडीआई है। देखो ये चीजें डाटा क्लियर निकल के जब प्रमोटर की होल्डिंग बिल्कुल विस्तृत रूप से पढ़ते हैं ना, किसी भी बैंक की बिल्कुल विस्तृत रूप से प्रमोटर की होल्डिंग खोल के पढ़ी जाती है। अब उन तो ये डाटा सीक्रेट होता है, पता नहीं चलता, प्रमोटर की होल्डिंग होती है बस। अब वो प्रमोटर में कौन कौन लोग शामिल होते हैं ये चीज सब सीक्रेट होती है। और अमूमन ऐसा भी मेरे ख्याल से, जहां तक मेरा अपना अंदाजा है, ये संभव नहीं है कि कोई सरकारी साहब कोई विदेशी पोर्टफोलियो हमारे देश में सरकारी बैंक में निवेशित है। अगर होगा तो मामूली से होगा और किसी के थ्रू होगा, डायरेक्ट रूप में नहीं, इनडायरेक्ट रूप में होगा, वो अनेक अलग बातें हैं। मेरे अपने पर्सनल व्यूज हैं, देखो मैं फिर भी कह रहा हूं ये मेरे अपने खुद के पर्सनल व्यूज हैं। होगा या नहीं होगा ये तो भविष्य बताएगा, पढ़ने के बाद ही सारी चीजें क्लियर होंगी। इन खबरों के पीछे सत्यता कितनी है ये मैंने आपको पहले बता रखा है, सब खबरें सूत्रों के हवाले से होती है। सत्यता की गारंटी कोई नहीं करता, ना मैं करता ना MFS करता, और कोई भी नहीं करेगा। सभी कहेंगे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बजट में ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। अब सूत्र कौन थे, आज खबर कहां से आई, आपको सारी चीजें पता है। मेरे टेलीग्राम चैनल पे बैंकिंग संशोधन अधिनियम का PDF भी लगा हुआ है, आप जाके उसे पढ़िए हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। और साहब कौन इसका सूत्र है आज की खबरों का, वो भी साहब टेलीग्राम चैनल पे पड़ा हुआ है, आप जाके उसे भी देख लीजिए। तो कुल मिला के दोस्तों अब बात निकल के सामने आएगी कि सरकार इस बजट में FDI का जो सीमा है उसको बढ़ा सकती है, यानी कि 20% तक से 20% से ज्यादा सरकार कर सकती है। अभी तक 20% तक भी नहीं है, अब सरकार 20% से ज्यादा करने पर विचार कर रही है। सिर्फ खबरों के दम पे दोस्तों इनके मूवमेंट इतने जबरदस्त होंगे कि FDI निवेश आए ना आए, बाहर से पैसा आए ना आए, सब पब्लिक का पैसा यानी कि अपने देश के रिटेल इन्वेस्टरों का पैसा इन बैंकों में जरूर आ जाएगा। समझने वालों को इशारा ही काफी है, और मैं यही चीज आपको एक साल से समझाता आ रहा हूं, यही चीज तो समझाता आ रहा हूं। पैसे की आवश्यकता है, पैसे से ही जान बचेगी। जो NPA में पैसा डूब गया, खराब हो गया, अब वो रिकवरी हो रहा है। देखो घुमा फिरा के हर जगह से साहब सरकार टाइट हो रही है, कितने छापे पड़ रहे हैं साहब, IT रेट कितनी बढ़ रही है आप देख ही रहे होंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेट कितनी पड़ रही है, कितना पैसा बरामद हो रहा है, NPA के कितनी सख्ताई हो रही है, सबसे रिकवरी कितनी तेज हो रही है। कुल मिला के अब स्थिति बहुत ज्यादा सुधरने वाली है सरकारी बैंकों की, जिस प्रकार के सरकार के कदम उठा रही है। और अभी तो आज एक और निर्णय आ गया कि जिसकी सिविल स्कोर खराब होगा उसे साहब लोन तो मिलेगा नहीं, बीमा के जो प्रोडक्ट है ना वो भी नहीं मिलेंगे, बताइए। मतलब इतना सख्त रूल RBI लेके आ रहा है, इतना सख्त रूल, यानी कि अपनी सिविल ठीक कर लो भैया अगर आपको बीमा प्रोटेक्ट भी खरीदना है, लोन तो भूल जाओ। अगर सिविल आपकी 750 से नीचे है तो भैया फिर तो दिक्कत परेशानी लोन में भी होगी और इधर बीमा प्रोटेक्ट में भी होगी। यानी कि सरकार का मकसद है टाइट कर दो, सिकंजा इतना टाइट कर दो कि जो भी पैसा बैंक का ले रखा है वो चुकाए ही चुकाए। तो FDI आए या ना आए, रिटेलर का साफ पैसा यहां इस बाजार में दबा के आ जाएगा। तो ये खबरें हैं दोस्तों, और इस खबर के लिए सरकार को बैंकिंग एक्ट में सेक्शन
तीन की धारा में थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे, इसीलिए मैंने बैंकिंग संशोधन अधिनियम को, सॉरी बैंकिंग संशोधन कह रहा हूं, बैंकिंग कंपनी एक्ट, बैंकिंग एक्ट 1949 और जो 1965 में जो चेंजेस हुए थे वो सारी की मैंने पीडीएफ पूरा ड्राफ्ट इंग्लिश और हिंदी का अपने टेलीग्राम चैनल पे लगा दिया। उसमें करना पड़ेगा संशोधन, यानी कि जो धारा तीन है बैंकिंग एक्ट की, धारा तीन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की धारा तीन में सरकार को कुछ संशोधन करना पड़ेगा अगर इनकी एफडीआई को बढ़ाना है, यानी कि बाहर की एफडीआई को अगर लाना है, बढ़ाना है, 20% से ऊपर ले जाना है, तो कुछ संशोधन, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। और इसी चीज को मैंने हर बार कहा है कि इस बजट में बिल जो आ रहा है उसको साफ देखना और समझना पड़ेगा, वो बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही चीज मैं आपको कई बार बता चुका हूं। और ये खबरें आपको सिर्फ मेरे चैनल से मिलेंगी, बाद में सारी खबरें सारी मीडिया के द्वारा आपके तक पहुंच जाएंगी, लेकिन सबसे पहले जो खबर आएगी, एक महीने पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि सरकार इस बजट में कोई बड़ा अनाउंसमेंट कर सकती है, बताया नहीं बताया आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और इतनी अच्छी तरह और सरल लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि एक आम आदमी को भी बहुत अच्छी तरह ये समझ में आ जाए कि व्हाट इज एफडीआई, एफडीआई निवेश क्या होता है। ये 20% तक था भैया, अब इसको सरकार बढ़ाने जा रही है, इन खबरों के आधार पर एफडीआई निवेश आए या ना आए बात की बात है, लेकिन हमारे रिटेल निवेशक जरूर सरकारी बैंकों को खरीदेंगे, जिस प्रकार पहले प्राइवेट बैंक, प्राइवेट की निजीकरण की न्यूज ने, प्राइवेटाइजेशन की न्यूज ने काम किया, अब एफडीआई की न्यूज काम करेगी। तो दोस्तों ये एक वीडियो था, और ये वीडियो मुझे समाप्त करने की अब आज्ञा दीजिए, मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक कीजिए इंतजार, फाइनली नमस्कार।